को छुड़ा लेगा। थोड़ा सा आगे कर लो बस, ठीक है। राधा स्वामी, मेरी बात को ध्यान से सुना करो। मैं जो कहता हूँ उसका कोई मकसद होता है, ये मनोरंजन नहीं होता। इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक संसारिक, संसारिक या व्यवहारिक दुनियादारी, और एक है दुनियादारी से अलग, एक है दुनियादारी से अलग जो इंसान का सिर्फ अपना है, उसका दुनिया से कोई संबंध नहीं है। दुनियादारी में जो हमारा शरीर है ये काम करता है, दुनियादारी में हमारा मन काम करता है, दुनियादारी में हमारी बुद्धि काम करती है। तीन चीज़ें, शरीर तंदुरुस्त है तो मन भी तंदुरुस्त है, अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो मन भी तंदुरुस्त नहीं होगा, अगर मन तंदुरुस्त नहीं है तो बुद्धि में ख्याल भी ठीक नहीं आएंगे। बात समझ रहे हो राहुल, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो हमारी बुद्धि भी जो है, हमारी सोच जो है, हमारा विचार जो है, हमारी जो थिंकिंग है वो भी कमज़ोर होगी और गलत रास्ते पर चलेगी। दुनिया में अगर तरक्की करनी है, दुनिया में तरक्की करने के लिए हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि तीनों का साथ चलना ज़रूरी है। और अगर इंसान इस दुनिया में रहते हुए शरीर का भी दुरुपयोग करता है, मन के विचारों में भी गंदगी भरता है, तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। क्या कहा मैंने, बात को ध्यान से सुनो। जब खुराक ठीक नहीं होगी, इंसान की खुराक में खराबी है, और इंसान की खुराक में खराबी कब आती है, जब उसका कर्म ठीक ना हो। कर्म खराब है, नियत खराब है, तो उसकी खुराक भी खराब होगी। खुराक खराब होगी तो उसका मन भी खराब होगा, मन खराब होगा तो उसका विचार भी खराब होगा, वो चंचल होगा, वो भागता रहेगा, और इंसान कभी ना कभी कोई गलत काम कर लेगा और वो जिंदगी में पछताता है। एक बात, इसलिए दुनिया में जो मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, मैं तो पढ़ता था तब ना, तो वो तो यही कहते थे, बच्चा ब्रह्म बनो, ब्रह्मीन बढ़ो, शारीरिक रूप से अपने शरीर को कंट्रोल में रखो, अपनी आँखों को कंट्रोल में रखो, अपनी बोल पर कंट्रोल रखो, अपने सुनने पर कंट्रोल रखो, और बढ़ो दुनिया में, पढ़ो, अफसर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, विद्वान बनो, और जिंदगी की अपने आप को संपन्न बनाओ। संपन्न जानते हो ना, पूरे रूप पर किसी पर निर्भर ना हो, ये है संतों की शिक्षा। पहले दुनिया ने जिसकी बनी उसका दीन कैसे बनेगा, अगर दुनिया में उसको सुख नहीं है तो वो नाम क्या जपेगा, अगर घर में झगड़ा है तो नाम सिमरन ध्यान कैसे करेगा, नहीं कर सकता ना। इसलिए जिस घर में संपन्नता है, जिस घर में सुख है, जिस घर में खाने को रोटी इज्जत की मिल रही है, रहने को मकान है, घर में प्रेम है, तो वहाँ ही नाम का स्मरण किया जा सकता है और वो घर ही तरक्की कर सकता है, नहीं तो वो घर तरक्की करता करता भी सर्वनाश को प्राप्त हो जाएगा। और बड़े बड़े घर बर्बाद होते मैंने देखे हैं, किस कारण, किस ख्याल के कारण, विचार की गिरावट के कारण। विचार बदल गया, जिंदगी बदल गई, भाई भाई के खिलाफ हो गया, पत्नी पति के खिलाफ हो गई, पड़ोसी के खिलाफ, ये हो गया, क्या हो रहा है दुनिया में, कैसा हो रहा है। ये अभी ये राजेश आया हुआ इधर से, तो उसकी बहन ने उसकी माँ को ही मार दिया, और सब कुछ, जमीन भी अपने कंट्रोल में कर ली, सारा पैसा भी निकाल लिया, और वो बेचारा रोता फिरता है, क्या क्या करना उसको, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन जब इंसान संपन्न हो जाए और अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर ले, तो उसके लिए फिर दूसरा रास्ता है, वो अपने जीवन को बनाना। पहले दुनियावी जीवन बनवाना बनाना चाहिए, दुनिया इंसान कभी किसी पर निर्भर ना रहे,
किसी के हाथ आगे हाथ न ऐसा फैलाना पड़े। जो ऐसे खाएगा हाथ फैला के खाएगा वो सुखी कैसे रह सकता, उसका मन तो कभी लगेगा ही नहीं। जिसकी हक लाल की कमाई है वो तो बैठेगा और गया अपने मालिक के पास, क्या कहा मैंने। तो आज मैं जो सत्संग कह देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी लाइन और है, अब दुनिया की लाइन में नहीं विश्वास रखता। मैंने जो जिंदगी में करना था, संसारिक जीवन में जो करना था, या जो तरक्की प्राप्त करनी थी, जो धन प्राप्त करना था, जो संसार के सुख प्राप्त करने से कर लिए, लेकिन क्या जो संसार के सुख हैं ये सदा रहने वाले हैं? क्या संसार से कोई चीज़ जो है वो सदा रहने वाली नहीं है? है कोई? कोई नहीं है, बदलती है, हर समय बदल रही है। हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे अंग बदल रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमारा देखने की दृष्टि बदल रही है, हमारा सुनने का ढंग भी बदल रहा है ना। तो इसलिए जो चीज़ रहने वाली नहीं है उस पर क्या विश्वास करें, जो बदल रही है उस पर क्या विश्वास करें? तो किस पर विश्वास करना, वो और चीज़ है। तो फिर संतों ने बताया कि वो चीज़ कब मिलेगी, कब मिल सकती है, उसके लिए कबीर साहब का शब्द आपको मैं सुनाता हूँ, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस शब्द को जब महाराज जी ने यहाँ बैठकर इस शब्द पर सत्संग दिया था तो मुझे संबोधित किया महाराज जी ने, मेरे नाम से संबोधित किया, बेटा समझता है। मैंने तब से समझना शुरू किया कि ये जिंदगी है क्या। उस वक्त तो मैं नौकरी में था, तो उस वक्त ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे सका, लेकिन अब मैं फ्री हूँ, कोई काम नहीं है, तो केवल मन के साथ है बात, मेरा मन से संबंध है। और मन क्या है, मन को क्या करना है वो बता रहे हैं कबीर साहब, बोलो। मन तो थकते थक जाए, मन तो थकते थक जाए। कबीर साहब अपने मन को समझा रहे हैं, और वही कबीर साहब की वाणी को मैं लेकर अपनी जिंदगी की मिसाल देता जाऊंगा कि ऐ मन तूने अब तक क्या किया, क्या किया बता, अपने आप को पूछो, तुम भी पूछो अपने आप को पूछो। और फिर वो कहते हैं मन तू अब थक जा। थक जा का मतलब क्या है? जब आदमी थक जाता है शारीरिक रूप से, सो जाता है ना, जब शरीर रूप से आदमी थक जाता है तो वो सो जाता है शरीर से, लेकिन मन से अगर नहीं थका तो नींद नहीं आएगी। मन ख्याल निकाल रहा है, कोई एक ख्याल निकाल रहा है, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ, वो थकता नहीं है। जब तक मन का ख्याल भी ना ख़त्म हो तब तक नींद नहीं आती, क्या कहा मैंने। मन थक जाता है ना, सोच सोच के भी थक जाता है तो फिर नींद आती है। और दूसरी तीसरी बात आपको बता दूं कि मन कब थकता है, ज़्यादा मन कब थकता है, डरता है या सो जाता है, जब तुम भगवान के नाम का स्मरण करते हो। इसलिए संतों ने कहा कि मन का दुश्मन अगर कोई है, नाम का कोई दुश्मन अगर है तो वो नींद है। जो भी स्मरण करेगा उसको नींद तो आएगी, अगर उसको अपने गुरु के साथ सच्चा प्रेम नहीं है तो उसको नींद आएगी, अगर सच्चा प्रेम है तो नींद नहीं आएगी। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि तू पूर्ण रूप से थक जा। मन कब कैसे, तेरे अंदर कोई ख्याल ही ना आए, साइलेंस, फिर क्या होगा? जब मन ही शांत हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तुम शरीर और मन से अलग हो जाते हो। जब अलग हो जाओगे तो फिर क्या होगा? तुम उस माल के कुल का रूप बन जाओगे, जो के जिसका भी कोई ना मन है, ना जिसका कोई शरीर है, ना जिसका कोई रूप है, ना जिसका कोई रंग है। ब्रह्मंडी मन का तो मन है, ब्रह्मंडी जो ये सारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांडिक शरीर है, ये ब्रह्मांड जितना भी है ये शरीर है, इसमें भी पांच तत्व हैं, हमारे शरीर में भी पांच तत्व हैं। तो जैसे हमारे पांच तत्व के शरीर में मन है,
ऐसे इस ब्रह्मांड में भी एक मन, बड़ा मन काम करता है। तो हमारा मन हमेशा उस मन के अधीन रहता है, ब्रह्मंडी मन के अधीन रहता है, और हम कभी कभी मजबूर होकर कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जो ब्रह्मंडी मन का असर होता है। बात को आप समझ नहीं पाएंगे, सुनो फिर समझा देता हूँ। बाबा जी महाराज ने बहुत कुछ बताया हुआ है। जो कुछ हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अच्छा या बुरा, वो ब्रह्मंड में जाता है, वो नाश नहीं होता, ब्रह्मंड में जाता है। अगर अच्छा विचार है तो ऊपर में वो अच्छे विचारों में जाएगा, ब्रह्मंडी मन के अच्छे विचारों में जाएगा। अगर बुरे विचार हैं तो बुरे विचार वहाँ जाएंगे। बात समझ रहे हो? चोर, डाकू, कातिल, उनके भी ख्याल हैं, वो भी ऊपर जाते हैं। उनको वहाँ से नई नई टेक्निक मिलती है कि अब तुम ऐसा करो, चोरी करो तो ऐसे करो, डाका करो तो ऐसे करो। कहाँ से मिलता है? ऊपर से ख्याल मिलता है उनको, क्योंकि वहाँ से ख्याल इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही जो नेक आदमी है उसको वहाँ से नेकी के ख्याल वापस आएंगे, जो बुरे ख्याल वाला है उसको ब्रह्मंडी से बुरे ख्याल वापस आएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? साइंटिफिक विचार है ये, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि मैंने इस निजम को समझा है। तो वो ख्याल वहाँ से आता है और तुम उस काम को करने के लिए विवश हो जाते हो और कर देते हो, और बाद में पछताते हो कि ये क्या हुआ, मैंने ये क्यों ऐसा किया। वो आपके बस में नहीं होता, क्योंकि वहाँ से जो नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है या अच्छी है या बुरी है, वो तुम्हारे ऊपर असर करती है। इसलिए संतों ने कहा कि मन से आगे निकल जाओ, मन से आगे निकल जाओ। आगे कैसे निकलोगे? थक कर निकलोगे, विचारों को बंद करके निकलोगे, थक जाओगे। सिमरन करो, मालिक का नाम जपो, सिमरन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये मन थक जाता है। गुरु का ध्यान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, गुरु का ध्यान भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आप सुन में चल जाएंगे, शरीर भी सुन और मन भी महासुन। इसलिए संतों ने कह दिया क्या, तो स्टेजेस बना दी, सहस्त्र कमल वहाँ सिमरन करो, त्रिकुटी वहाँ गुरु का ध्यान करो, फिर सुन में चले जाओगे, शरीर सुन हो जाएगा, फिर क्या होगा, महासुन में चल जाओगे, मन भी सुन हो जाएगा, तुम खाली हो जाओगे। क्या कहा मैंने? फिर आगे एक स्टेज और आती है जिसको भंवर गुफा कहा जाता है। तो वहाँ जाकर मन बिल्कुल थक जाता है, लेकिन कबीर कहता है ये आसान नहीं है। फिर पढ़ो यही लाइन। मन तो थकते थकते थक जाई, बिन थाके तेरो काज न सरी है, बिन थाके तेरो काज न सरी है, फिर पाछे पछताई। मन तो उन्होंने कह दिया कि बिन थके तेरा काम नहीं बनना। कौन सा काम भला, कौन सा काम? सुख और शांति प्राप्त करने का काम, अपने आप के जानने का काम, अपने आप को रियलाइज का काम करना कि मैं कौन हूँ, वो काम नहीं चलेगा। और अगर नहीं थके तो फिर कहते फिर तुम बाद में पछताओगे, फिर पछताते हो तुम, क्योंकि तुमने मन के अधीन होकर ऐसे काम किए जिससे तुम्हें पछताना पड़ा। तुमने मन की कलाबाजियों को समझा ही नहीं, तुमने मन के ऊपर नियंत्रण किया ही नहीं, तुमने मन को नाम में के रंग में रंगा ही नहीं, तो इसलिए तू घबरा जाएगा और बाद में पछताएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बात समझ रहे हो? कबीर ऐसा कहता है। फिर कहो यही लाइन। बिन थाके तेरो काज न सरी है, फिर पाछे पछताई। मन तो थकते थकते थक जाई। दुनिया में जो भी काम करो, दुनिया में जो भी काम करो, पूरा दिल लगा कर काम करो।
और उस काम को मालिक का काम समझो कि ये मेरे सदगुरु ने मुझे काम दिया है, तो फिर तुम्हारा मन बहुत लगेगा। लेकिन अगर तुमने उसको अपने रूप पर समझा कि मैं काम कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, तुम गलती भी करोगे और अपने आप को बॉस भी समझोगे कि मैं मालिक हूँ, तुम गलती कर जाओगे। क्या कहा मैंने, इस बात को समझो, गौर से समझो। अगर तुमने किसी काम को जो भी करते हो उसको मालिक का काम समझा, तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। तुम समझोगे कि मालिक ने मुझे ये काम दिया है और कभी मन में नहीं आओगे। जैसे माँ बच्चे को पालन पोषण करती है, पूरे दिल से पालन पोषण करती है और वो बच्चा लायक बन जाता है। क्या कहा मैंने, और वो सुख भी देता है, देता कि नहीं, सुख देता। जो बच्चे को माँ मारती है, बचपन में ही मारती है, और वो फिर बच्चा जब बड़ा होता है वो माँ की मार को भूलता नहीं है, वो फरमादार नहीं बनेगा, वो आज्ञाकारी नहीं बनेगा। ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो जिसने, इसलिए कहा, जिसने प्रेम कियो तिन ही प्राप्त पायो। प्रेम कोई इंसान से थोड़ी करना है, प्रेम अपने काम से भी करो। अपने काम से भी जो प्रेम नहीं करता वो भी अपने राज को, असलियत को नहीं समझ सकता। मैंने क्या कहा, इसको, बात को समझने की कोशिश करो, आगे चलो। जब लगे तो करे जीव रहा तू है, जब लगे तो करे जीव रहा तू है, तब लग पड़ेगा भाई, तब लग पड़ेगा भाई। सुनो फिर करो यार, मैं समझा नहीं तू क्या पढ़ रहा है। जब लगे तो करे जीव रहा तू है, जब लगे तो करे जीव रहा तू है, तब लग पड़ेगा भाई। कहते हैं कि जब तक तेरे अंदर ईगो है, हम अहंकार है, अहंकार ईगो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब तक तेरे मन का पर्दा नहीं जाएगा। अहम को पहले दूर करो, अहम नहीं वहां करने देगा आपको। तुमने अपने आप को समझा कि मैं ये हूँ, क्या हो तुम, सोचो जरा, हम हैं क्या, कुछ भी नहीं है। ये उसकी कृपा है कि हमें शरीर अच्छा मिला, ये उसकी कृपा है कि हमें घर परिवार अच्छा मिला, ये उसकी कृपा है कि हमें काम अच्छा मिला, ये उसकी कृपा है कि हमें धन दौलत मिली, ये उसकी कृपा है कि हमें सारे संसार के सुख दिए। और अगर आप कहने लगो कि ये मेरा है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा कमाया है, तो तुम क्या लगते हो उसके, बताओ क्या लगते हो। मैं अलमारियां ऐसे के वैसे पड़ी रह जाती हैं, है अपनी ना कोई गई चीज, कुछ भी नहीं गया। हम आए संसार में, कुछ भी नहीं था हमारे पास, क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस मालिक की कृपा हुई कि उसने हमें सब कुछ दिया, और फिर हमें फिर अहंकार किस बात का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब तक हम अहम में हैं कि मेरा, मैं किया, मैं कर सकता हूँ, तू नहीं कुछ भी कर सकता, मैं तू का सवाल पैदा हो गया, तो तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक तुम्हारा मन तुम्हें पकड़े रखेगा, तब तक तुम मन की कैद में हो, तब तक तुम माया में फंसे हुए हो, तब तक तुम अपनी बुद्धि के चक्कर में पड़े हुए हो, समय समय पर बदलते हो, समय पर किसी को मित्र बनाते हो, समय पर किसी को शत्रु बनाते हो, समय पर किसी को अपना बनाते हो, समय पर किसी को पराया बनाते हो, समय में खुश होते हो जिसका अंत कोई नहीं, और जब रोने लगते हो तो उसका भी अंत कोई नहीं। क्योंकि हम मन में खेल रहे हैं ना, हमने उस चीज़ को तो देखा ही नहीं कि ये देने वाला कौन है। देने वाला वो एक है, और हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। जब हमने ये समझ लिया कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया, जो कुछ दिया, जो ये सब उस मालिक की कृपा है, ये सब उस कृपा है, मालिक की कृपा है और कुछ भी नहीं।
मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ। मैं जब सोचता हूँ अपने आप में बैठकर, मैं उस मालिक का इतना धन्यवाद करता हूँ मैं जब अकेला बैठता हूँ कि मेरे मालिक तो बड़ा ही बेअंत है, तू बड़ा ही कृपालु है, मेरे ऊपर तो इतनी दया की कि मेरे दांत घस गए तो मेरे दांत तो आपने ऊपर कैप लगवा दी, कितना अच्छा किया, मेरे कृपा नहीं की क्या, कृपा की ना, और फिर मेरे कान थोड़े से कमज़ोर हो गए तो तूने मेरे कानों में मशीन डाल दी। किसने डाली? उसने डाली ना। कैसे डाली? उसने पैसे दिए ना, उसने मेहनत के पैसे दिए, उसने मुझे धन दिया, क्या काम के लिए कि तेरा कान की जो कुदरती बंद हुए हैं, ले बेटा मशीन लगा ले, ले तेरे कान तेरे काम करने लग जाएंगे। क्या कहा मैंने? और आँखों में मोतिया आ गया, जिसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। मैं गया था हॉस्पिटल में अपनी वाइफ का दिखाने के लिए, आँख अपनी पत्नी की आँख दिखाने के लिए कि देखूँ क्या प्रॉब्लम है इनकी आँख में। तो मैं डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब रात को मैं कभी ऐसे ऊपर को देखता हूँ तो चांद चार लगते हैं, चांद चार लगते हैं। कहना सर जी आपके तो कैटरेक्ट आ गया है, तो आप तो पहले आप ऑपरेशन कराओ मैडम का, बाद में देखेंगे। तो मेरा ऑपरेशन हो गया। कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या मेरी हिम्मत थी? अगर मेरे पास मालिक ने पैसा ना दिया होता, मुझे पेंशन ना मिलती होती, मैं सोच शेष मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसे उसने मुझे संपन्न किया, उसकी संपन्नता के साथ मैं ये सब कुछ करने के काबिल बना। तो अगर मैं कहूँ कि जी मेरे को तो पैसे सी, मैं आ करवा लिया, मैं ओ करवा लिया, मैं ओ करवा लिया, ये मूर्खता है, ये मन का पर्दा है। इस मन के पर्दे को समझाने के लिए मैंने आपको ये अपनी एग्जांपल दी है। मैं नहीं ये मानता कि मैंने कुछ किया, उसने कृपा की, उसने कृपा की तो जो सब कुछ हो गया, उसने कृपा की तो सारा काम हो रहा है, उसकी कृपा से मैं आपके सामने बैठा हूँ और कुछ कह रहा हूँ। क्या कि काम कब बनेगा? जब तुम्हारा अहम खत्म हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, करने के काबिल ही नहीं हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? अपंग होना पड़ता है, अपंग के कोई काम नहीं करता शरीर, मन में कोई विचार नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा? वो मालिक का रूप है कोई? उस मालिक का कोई रंग है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। वहाँ ना कोई, ना वहाँ कोई गुरु है, ना वहाँ कोई चेला है, ना वहाँ कोई ग्रंथ है, ना वहाँ गीता है, ना भागवत है, ना वहाँ सूर्य है, ना वहाँ चांद है। वहाँ क्या है? शांति है, एक अलग तरह का संसार है, एक अलग तरह की कंडीशन है, जिसको मेरे बाबा फकीर जी कहा करते थे, स्टेट ऑफ स्टेटलेसनेस, स्टेट ऑफ कंडीशनलेसनेस, पीस, एटर्नल पीस, और कुछ भी नहीं है, और उसको कहते हैं परम शांति। तब कब? जब मन थक जाएगा, उससे पहले नहीं। आगे पढ़ो। टूट जाए कोटि दुकाकी, टूट जाए कोटि दुकाकी, रसक रहे ठहराए, रसक मुझे नहीं समझ लगते तू क्या पढ़ रहा है। आगे आ जा, इसको आगे कर दो। एक एक शब्द करके पढ़ो। तो कबीर साहब हैं ये कबीर साहब हैं। टूटी जाए होठ तिनका की, टूटी जाए ओट तिनुका की, रसक रहे ठहराए। वो कहते क्या है? ओट कहते हैं सहारे को, तिनके की भी सहारा टूट जाता है, फिर होगे तुम ठहरा ठहराओ में आओगे। कभी सामने एक शब्द में और लिखा है कि वहां फांसी पर चढ़ना पड़ता है, जिसकी मर्जी आए जिसकी मर्जी ना आए,
एक शब्द है, कभी सबका कभी सुनाऊंगा आपको, कि वो फांसी पर चढ़ना होता है। फांसी में क्या होता है, गले में रस्सा डल जाता है, फट्टे पर खड़ा कर देते हैं, फट्टा निकाल देते हैं, सारा सारा टूट गया और वो आदमी खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं यहाँ तो तिनके की ओट, तिनके का सहारा भी खत्म करना पड़ेगा। सोचो कितनी ऊंची बात है, किसका सहारा लेना पड़ेगा, किसका, यहां से मन निकला किसका, जहां से प्रकाश निकला किसका, जहां से शब्द निकला उसका सहारा लेना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही लाइन। टूट जाए ओट तिनका की, रसक रहे ठहराए, फिर किसकी शरण में जाएगा, उसकी शरण में जाएगा जो कहीं पहले ही रुका हुआ है, जो पहले ही कहता है धन दौलत मेरी है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो तो मेरे में फंसा हुआ है, वहां तो मेरापन है ही नहीं। क्या कहा मैंने, हम यहाँ दुखी क्यों हैं, हमें क्यों दुख, दुख भगवान नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, उसने तो हमें अपने रूप में बनाया है। यही शास्त्र कहते हैं कि मालिक ने हमें अपने रूप में बनाया, जब हम हैं ही उसके रूप में तो फिर हमें दुख क्यों आया, उसमें तो दुख है ही कोई नहीं, उसके रूप में तो कुछ है ही नहीं दुख, ना मेरा ना तेरा, ना कोई जाति ना पाति, ना कोई पार्टी ना कोई पोजीशन, कुछ भी नहीं है वहाँ। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने रूप को ही भुला दिया। और क्या कहा मैंने, हम अपने रूप को ही भूल बैठे हैं और मन के अंदर चले गए, मन के अधीन हो गए, और मन हमें नाच नचाता है, और मन काल है, मन काल है, मन ही काल है और मन ही दयाल है। इसलिए संतों ने कहा ये मन दुनिया को बनाता है, नीचे नीचे दुनिया है, यहाँ से नीचे दुनिया है, जहाँ से नीचे ऊपर तुम हो, जहाँ से जब ऊपर तुम जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, चेतन का बुलबुला हूँ। और वो बुलबुला चेतन का उस बड़े चेतन से बना और जब टूटा उस बड़े चेतन में विलीन हो गया, खत्म हो गई बात। और यही मैंने अपनी किताब में साबित किया, जो लिखी मैंने अपने जीवनी की, आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स। मैं जैसे भाप पानी से निकलती है ना, तो वो बाहर छुप जाती है, कहाँ जाती है, छुप जाती है, नजर नहीं आती। तो ऐसे ही जो साधु होता है, जो संत के रास्ते पर चलता है, वो भी इस संसार में विलीन हो जाता है, ब्रह्मंडी हो जाता है, वो सारे फैल जाता है, कुदरत की शक्ति जहाँ काम कर रही है, तो इसलिए वो उसमें चला जाता है जो माल के कुल की शक्ति है। क्या क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। सकल तेज ताजे होए नपुंसक, सकल तेज ताजे होए नपुंसक, ये मत सुन ले मेरी। अब कहते हैं कि ए साधु, ए इंसान, तू मेरी बात सुन ले, कबीर सब कहते हैं। इस मन को निपुंसक बना दे। क्या कहा, वाह वाह कुमार। निपुंसक कौन होता है, जो कोई चीज पैदा नहीं कर सकता, बच्चा नहीं पैदा कर सकता, तो ख्याल भी पैदा ना हो, आपका मन ऐसा कमजोर हो जाए, इस मन को इतना नियंत्रण में ले आओ कि ये ख्याल ही ना पैदा कर सके। ख्याल पैदा होगा तो मेरा तेरा बनेगा, ख्याल पैदा होगा तो दुख सुख आएगा, ख्याल पैदा होगा तो सब दुनिया के बिखड़े हो जाएंगे। जब ख्याल ही नहीं पैदा हुआ, तुम अपने आप में ठहर गए हो, तो फिर वहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, आनंद है। क्या कहा, बात बहुत ऊँची है, इसको निपुंसक कर देना है, कि ये ख्याल ही नहीं, कैसे होगा, होगा कैसे, नाम के सिमरन से, और कोई तरीका नहीं है। स्वांग करके, भस्म मिलाकर, जगत छोड़कर, दुनिया छोड़कर, जप करके, तप करके, तीर्थ यात्रा करके, यज्ञ करके,
कहीं नहाकर ये मन निपुंसक नहीं होगा। ये तो घर में बैठकर जब तुम अपने आप में बैठोगे और ये सोचोगे कि मेरे शरीर में ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मेरे शरीर का खून का जो दौरा चल रहा है ये कौन चला रहा है, जब तुम बैठकर ये सोचोगे कि मेरा हृदय धड़कन कौन कर रहा है, जब तुम ये सोचोगे कि सांस कौन ले रहा है, जब तुम ये सोचना शुरू करोगे कि आँख में बैठा कौन देख रहा है, जब तुम ये चिंतन करोगे कि मेरे कान में कौन सुनने वाला है और बोलने वाला कौन है, ये मेरी जबान के ऊपर आगे गर्मी सर्दी कड़वा कुशैला मीठा ये छह तरह के रस हैं ये कौन महसूस करता है, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे थोड़ी सी इतनी सी है ना जगह जहाँ पता लगता है। जब तुम इसका एनालिसिस करोगे, जब तुम इसके ऊपर विचार करोगे, फिर तुम वहाँ पहुँचोगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो शरीर में कुछ भी नहीं कर रहा, रोटी मैं खाता तो हूँ पचाता तो मैं नहीं हूँ, मैं दूध पीता हूँ वो पानी बनकर निकल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई तो चीज़ अंदर है ना फिर करने वाली, फिर तुम उसकी खोज करोगे, फिर मन के पीछे नहीं पड़ोगे, फिर मन ये नहीं करेगा कि मैं सांस ले रहा हूँ, मन ये नहीं करेगा मैं देख रहा हूँ, मन ये नहीं कहेगा कि मैं सुन रहा हूँ, फिर तुम वो बन जाओगे जो तुम वास्तव में हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये मन कुछ भी नहीं है, ये मन यहाँ मेरे शरीर को तो चला नहीं रहा, सोचो जरा सुनिए सोचो, मेरे क्या मेरे शरीर को मेरा मन चला रहा है, क्या तुम्हारे मन की ताकत को अंदर काम कर रही है, नहीं कर रही, तो जब ये अंदर सब कुछ हो रहा है तो बाहर में इसके अधीन क्यों हो जाऊं, अंदर में जो काम कर रहा है लेट उसी को बाहर का भी सारा इंतजाम करने दो, तुम काहे की चिंता करते हो, मन के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, मैंने बहुत ऊंची बात कह दी है, इस पर विचार करो, कबीर साहब कह रहे हैं, आगे पढ़ो। जीवत मृतक दशा विचारे, जीवत मृतक दशा विचारे, पावे वस्तु घनेरी, फिर पढ़ो। जीवत मृतक दिशा विचारे, फिर क्या हो जाता है, आप फिर पढ़ो दोबारा ये लाइन, मैं समझ गया। जीवत मृतक दशा विचारे, पावे वस्तु घनेरी, वो कहते हैं जब ये हालत हो जाती है तो आदमी जीवित ही मर जाता है, जीता है पर मरा हुआ है, क्यों मरा हुआ है, मन से काम नहीं लेता, वो मन ही है दुनिया में जो हमें घुमा रहा है नचा रहा है, फिर वो कोई प्लानिंग नहीं करता, फिर वो ये नहीं कहता मैं ये करूँगा, मैं वो कहता प्रभु जी डोरी हाथ तुम्हारे, इसीलिए तो कहा सा फिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का सवारे, तुम ठहरते ही नहीं हो, तुम विश्वास ही नहीं करते हो कि कोई ताकत काम कर रही है, जो तुम्हारे अंदर ताकत काम कर रही है वो उस मालिक की ताकत है, तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मन की नहीं, तो जब तुम इस ताकत के अंदर की ताकत को उस ताकत से मिला लोगे तो फिर कबीर साहब कहते हैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु मिलेगी जो उसकी कोई कीमत नहीं है, मिले वस्तु गनेरी, पढ़ो फिर कही, जीवित मृतक, जीवन जीवन रखा जीवन है लेकिन मृत्यु है, कुछ भी नहीं है और मन नहीं काम कर रहा, तो फिर क्या मिलेगी, वस्तु गनेरी मिल जाएगी, बहुत बहुमूल्य चीज प्राप्त आपको हो जाएगी, ये कबीर सब कहते हैं, हमारा मन वहाँ काम नहीं करता, हमारा मन वहाँ नचाता नहीं हमको, हम जो फिर हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए मालिक कर रहा है, तेरी चिंता मैं क्या कर, स्वामी जी महाराज लिखते हैं तेरी चिंता मैं मन धारी, तुम अचिंत रह कर करो प्यारी, अपने अपने दास को स्वामी जी कहते
गुरु अपने शिष्य को कहता, बेटा तेरी चिंता मेरे को है, तू अचिंत रहकर मालिक से प्यार कर, अंदर प्यार कर, अपने अंदर में जा, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने, फिर पढ़ो यही लाइन। जीवत मेरी पति दशा बिचारे, पावे वास्तु घने मन तो थकते थकते थक जाए। आगे कहो। या के परे और कछु नाही, या के परे और कछु नाही, यह मत सबसे पूरा। फिर कहते हैं कबीर साहब, इससे परे आगे कुछ भी नहीं है, मगर कुछ है, मगर कुछ है। क्या है वो? वहां इंसान अपने आप को ही खो देता है, उसका अपना ही अहम खत्म हो जाता है, उसका अपना ही वजूद खत्म हो जाता है। ना उसको वहां शरीर की शुद्ध है, ना उसको मन की शुद्ध है, ना उसको आत्मा की शुद्ध है, वो अपने आप में ही वहां ठहर जाता है। तो वो क्या चीज है फिर? वो ही तो जीवन है, उससे नीचे तो क्या है? ये दुनिया है, दुनिया में दुविधा है, दुचिताई है, दुख है, सुख है, अपना है, पराया है, लड़ाई है, झगड़े है, क्या क्या है? देखो नीचे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ये संसार सारा, काल और माया ने इस संसार को ऐसे ही रचा है। अब दयाल आए, सतगुरु आए, दयाल के रूप में आए, उन्होंने हमें क्या कहा कि बच्चा ऐसा जीवन व्यतीत कर तो तू कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। कहते हैं वहाँ क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दाता क्या कबीर साहब ही कह रहे, पढ़ो यही लाइन पे। या के परे और कछु नाही, यह मत सबसे पूरा। ये मत, ये अकल, ये विचार, ये समझ, ये अनुभव सबसे पूरा है, इससे परे और कुछ भी नहीं है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। ना वहां दुख है, ना सुख है, तो इससे परे और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? तुम अपने पिता की गोद में चले गए, माँ की गोद में बच्चा होता है, उसको कोई दुख होता है, उसको कोई चिंता होती है, उसका कोई अपना को पराया होता है। हम वहाँ गए हरियाणा में, एक औरत बच्चे को लेकर आई, वो सबको हंसता था देखकर, सबको हंसकर, मैं कह देख रहे ये है दुनिया पर, ये ऐसे रब का रूप है, कोई चिंता नहीं, हंस रहा सबको, तुम्हें भी देखा सब, मुझे भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, वो हंसे। मैं कह आ जा, आवे अपने आप ही दौड़ा आवे, उसको क्या पता जे कौन है क्या नहीं है। बात समझ गए ना? वो है एक लेवल जिंदगी का जिसमें जिसमें स्थिरताई है, स्थिर है, वो अस्थिर नहीं है, वो हिलता जुलता नहीं है, वो बदलता नहीं है, उसमें तब्दीली नहीं है, वो फिर नथ खसम हथ हो जाती है, फिर इंसान की जिंदगी उसके पास चली जाती है। आगे पढ़ो। कहे कबीर माल मन चंचल, कहे कबीर माल मन चंचल, हो रहूं जैसे धूरा, हो रहूं जैसे धूरा, मन तो थकते थकते थक जाए। अब कबीर साहब ने फैसला कर दिया आखिर में, ये मन बहुत ही चंचल है, चंचल मन विचारों को पैदा करता है, फिर नहीं रहता कभी, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ऐसा ही है ना। हम इंसान अपने ही मन में उतार चढ़ा करता रहता, ये ऐसा ना हो जाए, अरे बच्चा गया पता नहीं की गल हुई, कहते एक्सीडेंट ना हो गया, हो गया सोचता ही है ना आदमी, वो गया कहीं वो टेलीफोन नहीं आया, पता नहीं की गल हो गया, कभी गड्डी का एक्सीडेंट ही हो गया, हर आदमी ऐसे ही सोचता है। बच्चा स्कूल से नहीं आया, पता नहीं की गल हुई, बच्चा स्कूल तो नहीं आया, बस नहीं आई, धुप्पे खड़ी माँ खड़ी इतना कर रही। ये क्या है? मन की चंचलता है, मन ने समझा ही नहीं कि मेरा परिवार नहीं है, ये मालिक का परिवार है, अपना बना लिया तो दुख तो होगा, जो कुछ दिया उसने दिया,
जिसने दिया वो उसका है, तुम क्यों ठेकेदारी लेते हो? क्यों लेते हो ठेकेदारी? ठेकेदारी लोगे तो नफा नुकसान तो होगा ही भाई, क्या कहा मैंने, होता है ना नुकसान नफा, तो मालिक के सुपुर्द कर दो, जो कुछ दिया उसने दिया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। कबीर साहब ने तो ही तो कहा। अब वो कहते हैं, कबीर कहते हैं मन को ऐसे चंचल ना रहने दो, क्या करो इसको धूल बना दो। धूल जानते हो ना, मिट्टी जो उड़ती है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं तो वो धूल होती है ना, उस धूल में कुछ भी पैदा नहीं होता। आप धूल इकट्ठी कर लो, धूल जानते हो बहुत बारीक मिट्टी, उसको ले आओ गमले में रखो, उसमें जो मर्जी बीजो उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा, धूल में कुछ भी पैदा नहीं होता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इसको धूल बना दो, इसको मिट्टी वो बना दो जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। जब वो बन जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कुछ भी पैदा नहीं, कोई मन में कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो तुम कहाँ पहुँच गए? जहाँ दुनिया नहीं है, जहाँ दीन नहीं है, जहाँ कोई देश नहीं है, जहाँ कोई प्रदेश नहीं है, जहाँ कोई धर्म नहीं है, जहाँ कोई राजनीति नहीं है, जहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ एक असीम राज है, माल के कुल की राज है, और उसमें शांति है, और तुम उस माल की गोद में चले जाओ, फिर किस बात की चिंता? कोई चिंता नहीं है, क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। काए कबीरे मार मन कंचल है, हारूं जैसे धूरा, मन तो थकत थकत थक जाए। तो आज मैंने दुनिया की बात नहीं की है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो ये है, मैं जो जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ वो ये करता हूँ कि मन क्या है, व्हाट इज माइंड, मन को मैं सोचता हूँ तू क्या है भाई, ये कुछ भी नहीं है, बस इसकी नज़र को बंद करो, इसके कान को बंद करो, इसकी जबान को बंद करो और जरा अपने आप को देखो। इसलिए संतों ने कहा तीनों बंद लगाए कर, तीनों बंद, आँख कान और मुंह तीनों को बंद करो, आँख तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद टन को, नानक सुन समाध में नहीं सांझ नहीं भोर, वहाँ ना दिन है ना वहाँ रात है। इसलिए तीनों को बंद करो दुनिया की तरफ से, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से उसी अखा बंद करके जाओ, दुनिया को देखना बंद करो, दुनिया को सुनना बंद करो, और सुनो तो अपने दिल की आवाज़ सुनो, अंदर से सुनो, वो तुम्हें गाइड करेगा। मेरे दाता परम दयाल जी महाराज कहा करते थे कि तुम्हारे अंदर ही कृष्ण है, तुम्हारे अंदर ही अर्जुन है, तुम देखो करके सवाल तुम्हें जवाब मिलेगा, तुम्हारे अंदर है सब कुछ, सारी भागवत गीता तुम्हारे अंदर है, जो लिखा वेद व्यास ने वो कहीं देखा थोड़ो उसने, वो तो पहले हो गया जो कुछ होना था, त्रेता युग में हो गया, द्वापर युग में हो गया, तो उन्होंने तो बाद में लिखी, बात समझ रहे हो मेरी? इसलिए आज मैंने, क्योंकि कुछ मेरे मेहमान आने हैं, तो मैं आज यही सत्संग समाप्त करता हूँ, और आप लोगों के लिए शुभ चिंता करता हूँ। आप लोग सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण करो, मन को समझने की कोशिश करो, और अपने आप को किसी दूसरी शक्ति से मिलाओ, वो जो तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है, वो शक्ति तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर तो आस्था है, बाहर तो विश्वास है, बाहर तो दुनियादारी है और कुछ नहीं। हम दुनियादारी से अपने आप में जाना चाहेंगे, जिसको रूहानियत कहते हैं, जिसको अध्यात्म कहते हैं, जो तुम्हारा अपना जीवन है, ये बाहर का दुनिया का जीवन ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम्हारे विचारों का जीवन है, जैसा विचार जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, बात मेरी बात समझ रहे हो, और जैसी करनी तैसी भरनी, तो जो करोगे वो भरना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कर्म करो, नेक कर्म करो, वो कर्म करो जिससे किसी का दिल ना दुखे, और ना दिल दुखाओ, ना अपना दिल दुखाओ, ना किसी का दिल दुखाओ,
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए शुभकामना, सबको राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।